आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर अभी यहाँ हमें स्वामी के अंदर ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। अच्छा तो फिर अभी हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया है। ओहो। तो फिर यहाँ हमारा पाइप फूट गया, हम ये सब देखने आए थे। सो दोस्तों, सुबह सुबह ना अपना ना कैमरा छीनने की कोशिश की जा रही है, भाई चैनल लूटने वाला है पूरा पूरा, और छोटू भाई लेने वाले हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। सो अपना व्लॉग स्टार्ट हो गया बढ़िया वाली खूबसूरती वाली लोकेशन से। पहले लोकेशन देख लो, सो अब बात बताऊं। कल रात को ना जब आपने मैं देखा होगा लास्ट, जब बाइक चला रहे थे तब, उसके बाद से क्या क्या हुआ वो सब बताता हूँ। बाइक चलाते 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 थक गए थे भाई। बहुत चलाया था भाई, चलाया 2-3 घंटे लगातार चलाया, अंधेरे में चलाया, लोहे तेरे के बगल में। अच्छा हुआ अंधेरा था, सही में अच्छा हुआ। दिन में होता ना, होता था डर के मारे परेशान हो जाता। तो भाई रात में बहुत ट्रैफिक, मतलब हमने जीरो की भी रोड जो थी ना वो भी अच्छी थी, पर जो कल रात में रोड क्रॉस की ना वो बहुत ही खतरनाक थी यार। उसमें इतने पत्थर थे, इतना ऊपर नीचे था। हाँ बिल्कुल ऐसा पत्थर था। सो वो पूरा रास्ता क्रॉस करके रात के कुछ 7-8 बजे के लगभग अंधेरे में हम पहुंचे। उसे रात ही कहते हैं भाइयों, यहाँ पे रात बहुत ज्यादा जल्दी होती है, 5 बजे से हो जाती है। कुछ लोग कह रहे थे यार रात 8 बजे तो आधी रात बोलते हो, वो आधी रात ही हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि 12 बजे का टाइम जो होता है ना, मतलब सुबह 4 बजे तो यहाँ सूरज चमक जाता है बिल्कुल। तो जैसे ही हम पहुंचे यहाँ पे ना, तो भाई जी हमारे लिए इंतजार कर रहे थे। वो भाई जी अपने घर लेके गए हमें, वो भाई जी का पूरा स्कूल भी है यहाँ पे, आपको भाई जी से मिलाते हैं। और ये भाई जी के 2 छोटे मोटे क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, ये सबसे ज्यादा क्यूट है और सबसे ज्यादा नॉटिंग मेरे तरह। चलते हैं, आपको भाई जी से बुलाते हैं। भाई जी ने हमारे लिए ना पास्ता बनाया भाई, बहुत ज्यादा टेस्टी। उन्हें पता था हमें आखिरी पास्ता खाना है, चलो दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग भाई जी, क्या हाल है? राम 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 राम। मॉर्निंग मॉर्निंग भाई जी, ये कौन सी जगह है? ये है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल स्वामी कैंप। अच्छा, रात को हम स्कूल में सोए थे पता है, उनको पता नहीं था, मेरे को ABCD और क क क कभी नहीं आता था, रात ही रात में सीखा मैंने सारा सच्ची। ABCD तो आता होगा पक्का, इनको क क क आई नहीं आता होगा। वो बता रहा था ये सब इन लोगों ने पहले ही पता कर लिया था, मुझे लगा पता नहीं होगा। क्या यार, कोई बात नहीं, हमारे लिए बना आखिरी पास्ता और स्कूल में खाएंगे हम बढ़िया से बैठ के। ना ये आखिरी पास्ता नहीं, शुरू वाला पास्ता, ब्रेकफास्ट वाला पास्ता। ओके, सुबह सुबह झरने से आ रहा हुआ ये पाइप से सारे कपड़े, और हमने अपना बैग भी धो लिया है पता, बैग पूरा गंदा हो गया था जीरो रोड पे, दापरोजो वाली रोड पे। सो लगभग आप देख रहे हो कितनी लंबी रस्सी है, सारे कपड़े धोके सुखा दिए। इसमें सारे कपड़े मेरे नहीं है, इन्हीं के हैं सारे कपड़े, और मेरे से थोड़े से ही कपड़े थे। सो दोस्तों देख रहे हो, यहाँ लगाया था अपना टेंट, और ये रहे क क क क और ABCD, और ये रहा अपना सामान। चलो बन चुका अपना पास्ता, खाते हैं बढ़िया से बैठ के। पूरी बाबा, ऐसा खीरा कभी नहीं देखा भाई, इतना बड़ा, और इसको ये कह रहे हैं छोटा बेबी खीरा है, मतलब इससे भी बड़ा खीरा होता है यहाँ पे। और ये क्या पेस्टिसाइड नहीं, इंजेक्शन डाल के जो बड़ा करते हैं वैसा तो नहीं? ना ना, यहाँ कोई भी दवा कुछ भी प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल ऑर्गेनिक है यहाँ, कभी किसी भी खेत में। ये खीरा नहीं, लौकी लग रहा भैया, हमारे ऐसी लौकी आती है यहाँ, वो कलिंगर जितना बड़ा बड़ा रहता है। अरे बाप रे, लौकी से भी बड़ा कलिंगर, मतलब बहुत को पता नहीं, वो वाटरमेलन हाँ, इतना बड़ा बड़ा रहता है। अरे बाप रे, खीरा है कि क्या है भाई। सो दोस्तों टाइम आ चुका पास्ता खाने का, बढ़िया तरीके से खाली प्लेट है, मैं डाल दो भाई, डाल दो और डाल रहा हूँ भाई। ओहो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाई, पहले खत्म कर दो नहीं मिलेगा। ये छोटू पहलवान भी खाना चाहता है, ये ले भाई मेरी प्लेट से, ये मैं तोड़ दे। ओहो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, मेरा और मिल जाएगा। ये किसका था? इतना छोटा प्लेट है। अरे उससे नहीं खत्म होगा वो। अच्छा भाई, तेरे को नहीं देगा, बस बहुत है, कद के हिसाब से मिलता है। पेट छोटू पेट है ना तेरा। अभी हम यहाँ बैठे हुए आराम से खाएंगे, ठीक है, मैं मेरे साथ में ये और ये भाई भी। ओहो खीरा इतना बड़ा, मेरा खीरा कहाँ है? नमक छिड़क, दिल कुछ कीता है, अलग ही फीलिंग आ रही है आज खाने की, अच्छे तरीके से बैठ के। अरे स्कूल में आ गया मैं, स्कूल में पढ़ने आए
सुबह मील मिल रही, मिड डे मील। ये भाई साहब परेशान पता है क्यों है? सुबह से लेट हो गया हूँ मैं बहुत ज्यादा, लेकिन दिल से कुछ कहना नहीं चाहते है क्योंकि कैमरा चल गया ना इसलिए। तो चलो कोई बात नहीं, सामान पूरा पैक हो चुका है अपन, लेकिन तैयार है। बाय बाय छोटू, मिस यू। आज रास्ते तो छोड़ के भरोसा लगा, यही शाम तक वीडियो बैठ के वीडियो बना रहे हैं। ये तो सारी पोल पट्टी खोल देंगे भाई, चलता है। तो दोस्तों सामने देख रहे हो ना, हवाई लिखा हुआ है 63 किलोमीटर। आज हमारी डेस्टिनेशन वहाँ है और 135 किलोमीटर हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ बिल्कुल चाइना बॉर्डर पास हो जाएंगे, फिर तारों के नीचे से हम अपन पूरा पाकिस्तान नहीं सॉरी चाइना पहुंच जाएंगे। यार तारों के नीचे से पाकिस्तान ही क्यों जाता है आदमी, चाइना भी जा सकता है ना, जाएंगे नहीं चाइना जाएंगे अपन, वहां जाके एक दो बम बोर्ड के आएगा। दोस्तों निकलने का टाइम आ चुका है और भाइयों को बाय करने का टाइम भी आ चुका है। बाय बाय, वापस आ जाएंगे 2-3 दिन बाद, फिर भाइयों के साथ बैठ के मस्त खाना बनाएंगे और कैंपिंग भी करेंगे मस्त। और भैया जी ने मार लिया, आगे रुकने की भी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ से कुछ मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर रह गया होगा, 50-10 किलोमीटर तो बाहर तक छोड़ने आ गए। दूसरा बात यह है कि आप मैं फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ ये मिसमी हिल्स में, आपको बहुत बड़ा वेलकम है। मैंने रुकने का बंदोबस्त नहीं किया, वो अंकुश भाई का ये सब्सक्राइबर वगैरह है, तो उन्होंने उनका वो अपना प्यार है, तो आगे अच्छे से घूम के आओ, मिसमी ट्राइब को अच्छे से एक्सप्लोर करो, जगह को देखो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गाड़ी आ रहा है, थोड़ा साइड कर लो, हमने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। पहली बार पता चला होगा मुझे, तो पहली बार पता लगा। मिस्मी ट्राइब में ही बांधा जाता है, दूसरे ट्राइब में तो मुझे नहीं लगता, उनका कैप वगैरह रहता है और कड़ा। अच्छा कड़ा भी डालते हैं? हाँ कड़ा रहता है इनका, इधर भी हाँ कड़ा रहता है। ये तो यूनिक बात है भाई, पूरी इंडिया को पता ही नहीं होगी। कल पर तुम तागिन ट्राइब का, पूरी इंडिया को नहीं पता होगी। तागिन ट्राइब का जो वो चाकू दिख रहा था ना, वो निशी ट्राइब और तागिन ट्राइब में रहता है अरुणाचल में, वो आप मान लो कृपाण है। और ये जो यहाँ के लोग दाऊ लेके चलते हैं, वो किसी को हार्म करने के लिए नहीं, खुद का सेफ्टी के लिए भी नहीं। वो उनको अभी पहाड़ों में चलना पड़ता है ना, कभी रास्ता बनाना हो तो कभी कुछ हो तो कभी लकड़ी काटना हो, तो इसके लिए है वो, तो ये सब चीजों से नहीं डरना और अच्छे से एक्सप्लोर करके आना। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। आपने खाना भी कल रात को बहुत टेस्टी बनवाया, सुबह भी वो कल वाला फैन हो गया मैं, वो मैं लाइन नहीं बोल सकता कैमरे के पीछे, क्योंकि वही लाइन बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। चलो चलते हैं, मिलेंगे फिर वापस आते हुए। पक्का। बाय बाय छोटू भाई, ये ले ये छोटू भाई, आया करो ये इधर, दो केक की गोदी ले ले, गोदी में ले, गोदी में ले, गोदी में ले लेगा भाई। ए बस बस, आलू कांदा, बस बस, अच्छा ठीक है भाई, बाय बाय। तो दोस्तों आज हमें गाय मिल गई है यहाँ पे, हो रोज कोई ना कोई दिख जाता है रोड पे, पर पता है क्या है, अगर हम स्लो चलाएं ना, ब्रेक मारें तो बच भी सकते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हम अपने सुविधा के लिए गाड़ी तेज चला रहे हैं जल्दी पहुँचने के लिए, उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए, हैं तो ये भी इंसान ही, मतलब जीवन का भी है ना इम्पोर्टेंट। हाँ साइड करते आ जाओ, फूल के ना पूरा पेट बड़ा हो चुका है, क्योंकि गैसेस बन जाती हैं जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद चलते हैं यार, चलें। सो
सो दोस्तों देख रहे हो सामने कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उत्तराखंड जैसे बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर, और ये पूरा गांव है नीचे, बहुत ब्यूटीफुल सा देखो लाइन से बने हुए अगर हार्ट शेप में, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और दोस्तों यहाँ देखो इस झरने को, ये तो अलग ही खूबसूरती है भाई, हेवन है भाई, हेवन जन्नत। तो दोस्तों पानी पी लिया अपन ने, झरने से भर ली थी बॉटल मस्त। दिगांता भाई ने कुछ सवाल पूछे, नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी कौन करता है? मतलब सवाल ये था कि ऊपर से जो पानी आ रहा है वो पानी मतलब 24 घंटा और मतलब 12 महीने गिरते रहता है, वो भी पहाड़ के ऊपर से, मतलब पहाड़ के ऊपर में ऐसा कोई मतलब तालाब वालाब है क्या जहाँ से मतलब पानी गिरते रहता है? मतलब इस चीज का जवाब तो आप ही दे सकते हो भाइयों, आप बता देना कैसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इतना गर्मी देख सकते हैं, धूप हम लोग खुद काला हो गया, पसीना पसीना हो गया, काला हो गया ये भाई काला हो गया भाई इतना गर्मी। सो दोस्तों पानी देख रहे हो कितना ज्यादा है, कल वाली वाटर क्रॉसिंग से डबल ज्यादा गहरी वाटर क्रॉसिंग है, और पूरा पानी ऊपर से बहुत स्पीड में आ रहा है यहाँ पे। चलो क्रॉस करते हैं, देखते हैं कैसे कंडीशन रहती है। तो अपने हर्ष भाई जा रहे हैं पहले, इन्होंने पहले सरेंडर कर दिया यार, ओ इतना अंदाजा हो चुका है कि काफी ज्यादा गहरा होने वाला है और मेरे शूज डेफिनेटली गीले होने वाले हैं। बारी आ चुकी अपनी, बाइक निकाल लेगा भाई की, चलो निकलो। तो दिगांता भाई कह रहे हैं कि मैं निकाल लूंगा अपनी स्कूटी, मैं ट्राई करता हूँ, तो चलो ठीक है। झरना देखना यार कितना बढ़िया लग रहा है ना, वाह बहुत पानी आ रहा है यार, बहुत ज्यादा पानी यार, ये देखो ना यहाँ पूरा गड्ढा अंदर गहरा है। तो दोस्तों देख रहे हो ना बियारो वालों की वजह से ही हम रोड क्रॉस कर पाते हैं, ऊपर से पहाड़ पूरा गिर गया है, पत्थर पूरे गिर गए हैं, पूरी रोड टूट चुकी है, मेरे ख्याल से रोड भी नीचे नहीं गिर रहे। अरे भाई जी भी बियारो में ही है ना भाई जी? यस सर। ओहो इनके वजह से जी पा रहे हैं हम लोग भाई, नहीं तो रोड तो यहाँ पे हर थोड़े दिन बाद दिक्कत आती जाती है। डेली। थैंक्स अ लॉट भाई जी। कहाँ से हो आप? अम्बाला। वाह पंजाब से ही बंदे हैं ये, बंगाल से। बढ़िया ये लेके थर्ड नंबर ब्लास्टिंग में हम लोग नंबर ब्लास्टिंग में। वैसे मक्खन बना दी है रोड पूरी, बस थोड़े थोड़े से पैच है जो खराब है, बाकी पूरी रोड मक्खन है भाई। रोड साफ करते करते ही ना ऊपर से पूरे पत्थर आ गए भाई, ओकलैंड के ऊपर आके गिर गए। सही में दाद देनी पड़ेगी इनके काम के लिए, क्योंकि भाई ऊपर से पत्थर आ गया, अब जो पोकलैंड के अंदर बैठा है उसकी तो जान हथेली पे है, तब भी वो काम कर रहा है भाई। फाइनली रोड खुल चुकी है, पूरा पौन घंटा हो चुका है, और भाई जी ने हमें जगह दे दी अंदर बैठने के लिए, चलते हैं यार फटाफट, बहुत ज्यादा नींद आने लगी यार बैठे बैठे।
सो दोस्तों टाइम आ चुका अपना टी ब्रेक का, पूरा पौन घंटे एक ही जगह पे बैठे रहे ना तो नींद आने लग गई। कार के अंदर बैठा हुआ था तो नींद आ ही जाती है, बाइक मस्त रहती है यार, बाइक में नींद नहीं आती है। सो दोस्तों हमारा नाम लिखा जाएगा गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड पे, इतना उजड़ा वर्ड बोल दिया मैंने एक साथ। सो गिनीज में हमारा नाम लिखा जाएगा यार, गोलगप्पे खाने वाले हम चाय के साथ, कुछ अलग ही करते हम, अतरंगी सतरंगी। ये इन्वेंशन मैंने करी है, ओहो पता नहीं चला जाए किसी को, हम तीनों से सिवा तो बस चाइना तो बिल्कुल नहीं, नहीं। चाइना का तो बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने तो हमसे भी एडवांस है वो। सो कप चार बंदे तीन, पता है क्यों? क्योंकि अपना भाई है ना, उसकी भी तो चाय पीनी है मुझे इसलिए। सो दोस्तों निकल चुके हैं हम वापस अपने सफर पर, और एक बात बता दूं, हमारे बचे हैं सिर्फ 25 किलोमीटर यहाँ से और आराम से पूरे हो जाएंगे। बस रास्ते में ना एक जगह पे ब्लास्टिंग हो रही है, बस वहां से क्रॉस कर जाएं तो आराम से पहुंच जाएंगे। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हवाई, हम मतलब आप और हम दोनों पहुंच चुके हैं, और ये हमारा भाई भी साथ में आ गया हमारे। कोई बात नहीं, थोड़ा मैं तो यहाँ पे पहले भी आ रखा हूँ ना। अच्छा हाँ, बट इस वाले रोड पे नहीं आया था मैं, उस वाले रोड पे चला गया सीधा। अच्छा, और अभी फैक्ट बता क्या, हमें जाना है ना हवाई वापिस, एसी रोड से आगे जाना है। और एक चीज बताऊं, पिछले साल आए थे ना, पिछले साल भाई जी जब यहाँ आए थे तो जिस आदमी से भाई जी ने लिफ्ट ली थी ना, वही भाई जी आज हमें वापस मिले हैं। भाई आज हमारे होस्ट हैं। देखो यार कितनी बड़ी बात है, पिछले साल अगर आप देखोगे ना यहाँ पे वीडियो, एक भैया जी ने हमें स्कूल के बाद छोड़ा था, शायद मैंने वीडियो बनाई है, उन्हें थैंक यू भी बोला होगा। और वही भाई आज हमारे होस्ट हैं, उन्हें पता नहीं था वो हमें होस्ट करने वाले हैं। जब जो राय सर जिनके पास हम रुके थे ना कल रात को, उन्होंने इनको बताया था कि एक राजपूत जी आ रहे हैं। जी क्यों लग रहा है, अपने आप के साथ ही जी लग रहा है। उन्होंने बोला एक राजपूत आ रहे हैं, तो तभी इन्होंने बोला कि मैं तो उनको जानता हूँ। मतलब देखो कितना बड़ा संयोग है, इस इतनी बड़ी पृथ्वी में हम कभी भी फिर से मिल सकते हैं। और इतफाक से जो ब्रिज मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया था ना, वही ब्रिज अभी वही क्रॉस करने वाले, वही क्रॉस करने वाले हैं। तेरे को पता नहीं था? पता था, अभी दिखा रहा था। हाँ मैं वीडियो बना रहा था उसी ब्रिज की, और पता है जो होस्ट है हमारे आज के, वो मार ले कम से कम दो घंटे से। बट हमारी गलती नहीं है, ब्लास्टिंग हो रही है ना। और एक बात और, क्योंकि यार हमारे पास ना यहाँ पे सिग्नल नहीं चल रहे, ना एयरटेल के ना जियो के, सिर्फ BSNL के सिग्नल है, तो हम गलती से आगे ना चले जाए इस चक्कर में भी वो वेट कर रहे थे हमारा। चलो चलते हैं, आपको मिलवाते हैं। पता क्या है, अभी यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, और सर जी के घर के आगे मतलब कोई एरिया में भाई जी हमें वाईफाई दिलवाएंगे, वो मतलब वीडियो अपलोड करने के लिए आपके लिए, इसलिए किसी को नहीं मिलता यहाँ पे, हमें मिलेगा शायद है। चलो आज तो VIP बन गए हम। हेलो सर जी, वेट करने के लिए सॉरी, भाई जी को काफी वेट करना पड़ा यार हमारे वजह से। पूरी चढ़ाई चढ़ाई है ऊपर यार, सीधी चढ़ाई, 3 किलोमीटर लगातार चढ़ाते हुए आ रहा हूँ बाइक को, ऐसे लग रहा है आज तो भाई खारदुंगला यही बन रहा है हमारा। चलते हैं आगे। भाई जी काफी ऊंचाई पे है ये रोड, आप रोज इतना ऊपर चढ़ा के लेके आते हो एक्टिवा? आना पड़ता है ना। अरे बापरे, काफी चढ़ाई थी भाई, बहुत ज्यादा। तुम भी रोज आते हो? हाँ। मैंने देखा है तुम्हारा वो पर्वत। ये जो पर्वत है ना वहाँ पे गुवाहाटी में छोटे छोटे से, उसकी बात कर रहा है। महिषासुर पर्वत। अरे कौन सा सुर? नरकासुर। कितना टाइम लगता है एक को बनाने में? ऐसे
ये तो हम ये सो हम लोग सो हमारा स्वागत हो चुका है। ठीक है, वो कहते हैं ना जब हम आते हैं तो गामूसा देते हैं, तो वो ऐसे ही कुछ है। और ये इनका हैंडमेड है बैग, साइड बैग, इसे अपन कैरी करेंगे आगे। ठीक है, जो अपन अभी कैरी कर रहे हैं ना वो आगे वाला बैग हटा देंगे, अब इसे रखेंगे, इसके अंदर सामान रखेंगे। और भाई जी ने हमारा स्वागत भी किया और बहुत सारे कहते हैं डिशेस भी खिलाई। मैं आपको दिखाई नहीं, सुबह दिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें यूनिक यूनिक जो मैंने आज तक एक्सप्लोर नहीं करी, शायद आपने भी नहीं करी होगी। और एक बेस्ट चीज बताऊं, हम जिस ट्राइब के पास है ना वो बिल्कुल सिख जैसी ट्राइब है, जैसा मैं हूं ना बिल्कुल वैसे। पगड़ी भी बांधते हैं और हाथ में कड़ा भी पहनते हैं और कृपाण भी होती है इनके पास, है ना कुछ यूनिक। कल सुबह बताऊंगा ये सारी चीजें, अभी बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कल वाला वीडियो आप लोग देखोगे नहीं। सो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अच्छा।